हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आया हूँ गंगा जी के किनारे, यहाँ पे क्योंकि मैं किनारे नहीं जा पाया गंगा जी के पास, क्योंकि चारों तरफ तरबूज के खेत हैं और तरबूज यहाँ पे बिखरे पड़े हैं खेतों में। लौकी, खीरा, ककड़ी भरमार है यहाँ पे, शायद इसीलिए धरती को माता कहा जाता है। इतना यहाँ पे उपज है, देख करके मन प्रसन्न हो जाएगा। अभी आपको ब्लॉग दिखाऊंगा कैमरा ले जाके, कितने तरबूज बिखरे पड़े हैं चारों तरफ। एक तरफ जहाँ श्रीलंका में श्रीलंका सरकार हो चाहे पाकिस्तान सरकार हो, इतनी परेशान है, वहाँ पे जनता और सरकार अपना खर्चा नहीं निकाल पा रहे हैं, आटे के लिए लाइन लगाए हुए हैं। श्रीलंका ने तो अभी फैसला किया 1 लाख बंदर बेचेगा चाइना को, तब वो अपना खर्चा चलाएगा। तो हमारा सौभाग्य है कि हमने ऐसे देश में जन्म पाया जहाँ पे ऐसा कुछ हमको नहीं करना पड़ रहा है, और साथ में धरती जो माता है हमारी, इसकी वजह से जो कुत्ते बिल्लियाँ हैं वो भी सुरक्षित हैं। अभी पाकिस्तान वालों ने कुछ गधे बेचे थे चाइना के हाथ, अब श्रीलंका वाले बंदर बेच रहे हैं। तो ये तो वो जीव जंतु हैं जो किसी भी प्रकार से किसी भी कृत्य के लिए जिम्मेदार नहीं है, और भुगतना इनको पड़ता है। और थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले नए ब्लॉग में। धन्यवाद।